अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैं सीनेटी स्ट्रिक्स और मैं शेर ज़मीन यूसुफ़ई। आज जो JEST का जो पेपर हुआ है IBA की तरफ से 14/9/2021 को, उसमें से मैथमेटिक्स के चंद क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और बाकी पेपर जो हमें मिलेगा तो वो भी इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। वो बाकी पेपर आप हमें अगर आपके पास हैं तो 03469543277 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास एक जो क्वेश्चंस था, फाइंड लॉग ऑफ 1000। तो 1000 का लॉग निकालने के लिए इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 10 × 10 × 10 तीन बार लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1, 2, 3 यानी 10³ भी लिख सकते हैं। फिर हमें पता होता है कि हमारे पास जो लॉग का फार्मूला है, पावर रूल है लॉग का। अगर लॉग के पावर किसी बेस के पावर में अगर कोई चीज़ है तो वो जो है ना पीछे लॉग के पीछे आ जाएगा, ठीक है। 3 × log आप अगर हम पावर रूल को यूज़ करेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास आ जाएगा। और फिर जैसा कि हम जानते हैं लॉग आप जो 10 होता है ये इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 1 = 3। इसका हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। चैनल को आप लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो है ना वीडियोस का आपको बरवक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगला क्वेश्चंस हमारे पास जो अगला क्वेश्चंस था, एक था कि इसको कन्वर्ट 21 इनटू बाइनरी सिस्टम। तो इसको हम बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे 21 को, तो 21 को आप 2 पर डिवाइड कर लें, 2 × 10 = 20, 1 हो जाएगा पीछे। अगर इसको आप फिर मज़ीद 2 पर डिवाइड कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 2 × 5 = 10, 10 तो पीछे 0 बच जाएगा। और इसको आप करेंगे तो ये आपके पास मज़ीद जो हो जाएगा 2 पर आप कर लें तो 2 × 2 = 4, पीछे 1 बच जाएगा। और इस 2 को अब अगर आपने डिवाइड करना है तो मज़ीद यानी 2 पर आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 × 1 = 2, तो पीछे क्या हो जाएगा 0। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 यहाँ से ऐसे, ठीक है, 10101 विद बेस 2, यानी इसको आप लिख सकते हैं 21 को इस तरह जो है ना आप इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द रेडिकल, क्वेश्चन नंबर 3 जो था फाइंड रेडिकल ऑफ 6 और 7। तो 6 का रेडिकल हमारे पास मल्टीप्लाई बाय √7, इसका जो रेडिकल है स्क्वायर रूट है। इसको मज़ीद आप लिखना चाहें तो एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, 6 × 4 भी लिख सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा √6, 7 = 42, ये आपके पास इसका हो जाएगा आंसर और ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला इस तरह का एक क्वेश्चंस आया था कि डिवाइड, मतलब एक क्वेश्चंस हम लिख लेते हैं यहाँ पे, चौथा नंबर, यानी डिवाइड x² − 3x + 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और इसको कहते हैं डिवाइड करें, डिवाइड बाय x + 2, द रिमाइंडर इज़ वो आपके पास क्या आएगा इसका रिमाइंडर, जो इस तरह का क्वेश्चंस था। तो अगर इसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से, यानी लेट अगर ये आपके पास यानी पॉलीनोमियल ये है तो x² − 3x + 5 आप इसको लिख सकते हैं। आगे जो इसने दिया है x + 2 = 0, x = हो जाएगा -2, इसमें आप x की जगह -2 पुट कर लें तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा −2 का स्क्वायर। एक और तरीके से भी कर सकते हैं, −2 + 5, तो आगे हमारे पास इसका हो जाएगा माइनस का, तो −2 का आंसर 4 आ जाएगा, −− हो जाएगा +6 और ये +5, तो ये =15 इसका आंसर है। दूसरे तरीके से अगर आप इसको निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको x² − 3x + 5 है, x + 2 पर अगर डिवाइड करें x × x आपके पास हो जाएगा x² + 2x हो जाएगा,
प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव, मज़ीद आप माइनस फाइव के साथ करें तो माइनस फाइव एक्स और ये माइनस फाइव टू ज़ार टेन हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा इसका जो आंसर है, यहाँ पर आ रहा था आपके पास इसका साइन चेंज हो प्लस और इसका भी प्लस, तो ये तो प्लस और माइनस ये कैंसिल और ये प्लस टेन और प्लस फाइव हो जाएगा फिफ्टीन। तो यही इसका आंसर है और यही आपके पास रिमाइंडर है यानी जो बाकी बचता है, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन था हमारे पास वो भी हम लिख लेते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन था यानी ऑल द पॉइंट लाइज ऑन सेम लाइन इज कॉल्ड व्हेन ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन इस कॉल्ड। तो इसको हम एक ही पॉइंट्स पर जो पॉइंट्स लाई करते हैं उसको हम कहते हैं कोलीनियर, कोलीनियर पॉइंट्स। तो इसका जो आंसर है वो ये है हमारे पास। अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स हम कर लेते हैं। लॉग आप लॉग से एक क्वेश्चन आया था, बाकी आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऊपर मैंने लिखवा दिया है यहाँ पर 03469543277 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको फ़ौरन सॉल्व कर लेंगे। तो लॉग आप हमारे पास था लॉग आप ए, इस तरह का क्वेश्चन था विद बेस 3 इक्वल टू 5, इसका सोल्यूशन निकालना था। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल ही है, इसको हम लिखना चाहें तो अगर लॉग को हटाना चाहें तो 3 इस तरीके से ये हो जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा और ये जो है ये वहाँ पर आ जाएगा a, r इसको लिखना चाहें तो a इक्वल टू 3 पावर 5 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 3 3 9 होती है 27 27 3 81 81 मल्टीप्लाई बाई 81 मल्टीप्लाई बाई 3 3 1 3 8 3 8 3 24 243। तो ए इक्वल टू 243 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका जो हमारे पास हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह, बाकी हम पेपर भी जो है ना वो इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो भी हमें मिल जाए जो क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो आप हमें मतलूबा नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।